हेलो जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम टू विद्याशाला क्लासेस यूट्यूब चैनल आज गोटे स्पेशल वीडियो क्लास 12 पिलामानों पाई नहीं किया सु क्लास 12 रे गोटे प्रिपरेशन ना बोर्ड रा प्रिपरेशन जो तले हम देखिबा फिजिक्स हो के एमिति गोटे चैप्टर जो थरे पिलामानों बहुत कष्ट लागे फिजिक्स कारण ए भले गोटे हम सराउंडिंग रे ए भले गोटे एनवायरनमेंट गोटे क्रिएट हे जे गोटे परसेप्शन गोटे क्रिएट हे जे समस्त नॉर्मली भाबी कोन ना फिजिक्स जदी हम भल से पढिबे जत्ते जहां पढिले भी बेसी मार्क रहिबनी जो सारन क्लास कले भी बेसी मार्क रहिबनी जत्ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो जहां कले भी फिजिक्स बेसी मार्क रहिबनी किंतु मु कहू छी आज ए भलिया गोटे हमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आनी छे जो प्रिपरेशन जदी वीडियो को तमे लास्ट से देखु छ 100% तमे श्योर हबो कि वीडियो रे हमें फिजिक्स रे भी निश्चिंत हाबरे क्लास 12th बोर्ड रे भल मार्क रखि परिबा ओके तले बेसी देरी न करी कि स्टार्ट करिबा आ मु आशा करू छी कि वीडियो को तमे शेष जाय देखिबो निश्चिंत तमकु फायदा मिलिबो ओके तले जदी हमें फिजिक्स कहिबा फिजिक्स कोन ना फिजिक्स इज ए सब्जेक्ट व्हिच रिक्वायर्स ए फेयर बैलेंस ऑफ लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग not just memorization कौन एथुर आमे बुझिले तमे जदि कहबा बायोलॉजी हला बायोलॉजी एमती गोटे चैप्टर वर्टिंग हो जिलो जो एमती गोटे चैप्टर जो थरे तमे जदि ताको पढुच नॉर्मली तमे ताको आराम से इजीली खाली बेसी न बुझिलो जदि ओवरली खाली टिके टिके पढिलो एनसीईआरटी टू आराम करकी जहा केछि तमरा टेक्स्ट बुक अछि रीडिंग कलो नोट्स पढि देलो घोसी आसी कि मार्क रखि देला आराम से 90% एबव मार्क रखि जिवो किंतु फिजिक्स रे जदि तमे चेष्टा करियो घोसिया केते घोसिबो केते प्रॉब्लम घोसिबो केते प्रैक्टिस करियो जदि विदाउट एनी डायरेक्ट तमे किछि बुझिनो किछि नै डायरेक्ट तमे घोसिया चेष्टा करला ताले फिजिक्स रे कदा भी तमे मार्क रखी परिबो नाही ताले फिजिक्स पई तमु कोन दरकार आगो कांसेप्ट को थोरली बुझिवा दरकार तारो लॉजिक बुझिवा दरकार तारो प्रिपरेशन रो स्ट्रेटजी होची कोन ना ईच एंड एवरी चैप्टर ईच एंड एवरी थ्योरी को तमकु बाय डेप्थ जाके बुझिया को परिबो बाय डेप्थ गल्ले ही तमे तारो लॉजिक पाई परिबो आउ ता बिषय रे अंडरस्टैंडिंग गोटे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हबो ताले फिजिक्स एमिति गोटे चैप्टर नुह तमे एग्जाम रा मासे अछि तमे खाली घोसीबा स्टार्ट करला फिजिक्स घोसी देला 90% एबव रखि देबो ना फिजिक्स केबेले सेमती हुए नी बायोलॉजी केस रे यस बायोलॉजी जदी हिदांदा मु कह देंदी कि यस तमे बायोलॉजी जदी बेसी किछ बुझिनो किछ बुझिबा दरकार नै आराम से मेमोराइज कर घोसी पका मार्क रखि देबो किंतु फिजिक्स केस रे सेया होबनि ताले फिजिक्स पई फास्ट हमको कोन जानिया पडिबो कि हमको लॉजिक जानिया पडिबो बेटर अंडरस्टैंडिंग दरकार सब्जेक्ट उपरे ताले से सब्जेक्ट उपरे बेटर अंडरस्टैंडिंग पई मु तीनटा पॉइंट तमु कहू छी कोन ना गोटे तमर इफेक्टिव स्टडी स्ट्रेटजी रहिबा दरकार से विषय आज हम डीपली एक्सप्लेन करिबा से विषय रे कोन कोन हमको इफेक्टिव स्टडी प्लानिंग दरकार सेकंड होउ छी कोन ना डेडिकेशन दरकार ए पॉइंट टा मु फास्ट स्टार्ट करछि जदि तमे एबे टू भाबी नै छ कि मोर फिजिक्स त खराब हबो ही हबो आउट ऑफ 7 टू यदि मु 3 पिला मानकर एम्प्टी माइंडसेट थाए कि सर बाकी त जहा देखि देबी फिजिक्स रे त मैक्सिमम मु 70 रु 30 खंडे रखि देबे जदि बहुत बड़ ता माने से माने ऑलरेडी हारि सालेनी से माने ऑलरेडी भाबी सालेनी कि फिजिक्स रे त जहा जेंती कर देले भी 30 40 ऊपर को मार्क रहिबो ही नै कारण आम सराउंडिंग रे ए भले उठे क्रिएशन क्रिएट हे जे जिंस जे आमे अधिक मार्क आमे रखि ही परिवन 30 रु अधिक 40 रु अधिक मार्क रखि ही परिवन ताले सेति पई आमे कोन करिबा ना सेति पई फास्ट आमे डेडिकेटेड हबा निजे कॉन्फिडेंट फील करिकि डेडिक जदि गोटे जिंस होउनी किछि भी एम्ति नाही नथिंग इज इम्पॉसिबल किछि एम्ति नाही जोटा अचीव करि हबनी आमे जदि निजे डेडिकेटेड हबा जदि गोटे चैप्टर हमको डिफिकल्ट लागुछि कि होउनी ता पय हम एक्स्ट्रा टाइम दबा एक्स्ट्रा एफर्ट दबा ना कि से चैप्टर टाकु छाड़ दबा गिव अप कि कम करिवे दरकार नै आगु को आहुरी 6 मास 7 मास अछि एबे जदि तमे गिव अप करिया स्टार्ट करिवो तले फिजिक्स त खराब हबो ही हबो मो कहया कथा जदि तमे थरटे भल से एफर्ट दियो 2 मास 3 मास भल से एफर्ट देखि देखो चैप्टर को स्ट्रेटजी सहित पढिबा स्टार्ट करो जदि नहला मते कहबो नेक्स्ट जी नंबर 3 कोना ना गोटे पॉजिटिव माइंडसेट जो कथा को मु कहली पुंत देखु छी कि नॉर्मली हमर जहां भी जे जहां कहू छी सराउंडिंग रे कहा कथा सुननी तमे निजे पॉजिटिव रहो निजे पॉजिटिव रह के पॉजिटिव अप्रोच सहित प्रॉपर स्टडी प्लान सहित निजे एक्स्ट्रा 2 3 आवर्स फिजिक्स पई दियो 100% फिजिक्स रे भी सक्सेस मिलिबो ताले तारो स्ट्रेटजी कोन फास्ट होची फास्ट पॉइंट कोन ना थोरली अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न तमरो जते बेले जो भी सिलेबस थी तमे सीएचएसई हो कि सीबीएसई तमरो सिलेबस को आगत तमे आनके गोटे कॉपी रे लिखिलो सिलेबस सहित तमे कोन करियो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिबो आउ गोटे जिंस देखिबो वेटेज वेटेज इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जांपल तमे जे देखिबो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो फास्ट तीनटा चैप्टर से तीनटा यूनिट रो तमरो अराउंड 16 17 मार्क आसुची तो 16 17 मार्क भी तमे नोट रे लिखिबो कि कोथर लॉन्ग क्वेश्चन केते मार्क आसुची शॉर्ट क्वेश्चन केते मार्क आसुची वेरी शॉर्ट क्वेश्चन केते मार्क आसुची एमसी को केते मार्क आसी एटा ऑलरेडी बोर्ड रे पूरा रिटन अछि पूरा बोर्ड तमे जते जीवो तमको साइट को जीवो वेबसाइट को जीवो तमको ऑलरेडी रिटन अछि तमे से दु पाई जीवो कोन पाई जीवो ना को चैप्टर रो क्वेश्चन अछि एबे नेक्स्ट तमरो काम कोन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिबो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनी सैंपल पेपर धरि गेछ तमको मार्केट रे बहुत सारा अवेलेबल एनी सैंपल पेपर आनि के देखिबो कि 2023 रे कोन पडथिला
2024 रे कौन पढ़ला 2022 रे कौन पढ़ला 2021 रे कौन पढ़ला ताले तमर सेतरो आईडिया मिलिबो कि जो लॉन्ग क्वेश्चन ता आसुची से बेसिकली को पार्ट रु आसुची शॉर्ट क्वेश्चन ता जो आसुची सेटा गॉस लॉ रु आसुची कि हमरो डाइपोल मोमेंट रु आसुची कि एनी की करंट इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस ऊपर आसुची का को पार्ट रु आसुची बेसिकली तुमको सेटा को फिगर आउट करिवार अछि ताले तुमको ताले फेयर बिट ऑफ तमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिवो आसु न आसु खाली तमे ताको नोट करिया को लागिवो तुमको गोटे प्रॉपर डायग्राम गोटे मिलिजिवो कि एही पार्ट रु मते 3 मार्क रु क्वेश्चन मिलिबो ए पार्ट रो मते 5 मार्क रो क्वेश्चन मिलिबो 5 मार्क रो क्वेश्चन मो पई ऑप्शन कोन ना ऑप्शन होची कोन ना सपोज हमें कहबा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो एक्सियल पोजीशन रे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेट आउट ऑप्शन गॉस लॉ गोटे अनदर ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन इक्वेटोरियल फील्ड अनदर ऑप्शन कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर अनदर ऑप्शन ताले कोन कोन ऑप्शन तुम गुडा को तुम ताको अलग अलग फिगर आउट करियो पड़िबो ताले तुम जानि पारिबो कि मो पाखरे कोन कोन ऑप्शन ताको मो कोन कोन पढिले कोन लॉन्ग क्वेश्चन पाई परिबी कोन कोन पढिले मो शॉर्ट क्वेश्चन पाई परिबी ताको अलग अलग करियो पड़िबो यूनिट वाइज कारण गोटे यूनिट पर को यूनिट को जति की वेटेज अछि ताको से बेले इंपोर्टेंट दबा गोटे यूनिट रो बहुत लॉन्ग यूनिट अछि पर जदर जमा 10 मार्क पड़ छि त ताको इंपोर्टेंट दियो नि जोटा अधिक मार्क दबा हमकु ताको इंपोर्टेंट दियो कारण अल्टीमेटली तुमको एग्जाम रे 90% मार्क रखे रहछि माने फिजिक्स रे 70 रो 65 अबव रखिवार अछि हमकु एग्जाम ओरिएंटेड हबा को पड़िबो सेकंड पॉइंट कोन ना क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल ना जदी हमें गोटे प्रॉपर शेड्यूल बनेबा जो टाइम रे हमें फिजिक्स पढ़ीबा बोली गोटे प्रॉपर टाइम बनेबा कारण फिजिक्स हो कि एमती गोटे चैप्टर जो तुमको मे भी हार्ड लागथिबो ताले ताको ए भलिया टाइम दियो ना जो टाइम रे तमे रिलैक्स फील करथो जो टाइम रे तमे माइंड फ्री थियो जो टाइम रे तमे टिके कष्ट करिया को रेडी बुझि पडतो त ताले सेही भलिया टाइम गोटे ता पई फिजिक्स पई रखो जो टाइम रे तमे रिलैक्स फील करथो आराम से आसी के फ्रेश माइंड रे थिबो आ आराम से पढ़ी परथो नंबर 3 पॉइंट कोन ना कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज की मो आगरो स्टार्टिंग ऑलरेडी कहि सरछि कि कांसेप्ट तमको क्लियर हबा पडियो एमती हबनी खाली ऊपर 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 ओवरली तमे खाली मेमोराइज कर दबो फार्मूला लिखि दबो ना कांसेप्ट बुझिबो तारो डेरिवेशन गुडा मन रखिबो डेरिवेशन सहित फार्मूला को कोन करिबो ना ब्रैकेट करके रखिबो बॉक्स करके रखिबो फार्मूला को शॉर्ट नोट्स बनेबो जहां भी सब फार्मूला सब फिजिक्स रे अछि ताको चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बनेबो से शॉर्ट नोट्स गुडा को बारंबार डेली डेली प्रैक्टिस करिबो इफ पॉसिबल तम सराउंडिंग जो स्टडी टेबल जो तुम पाठ पढ़ो सेठी चिपके के रखिबो वॉल रे तमे सब पेपर सब जति की चैप्टर वाइज सब शॉर्ट नोट गुडा सब फार्मूला सब मन रखिबो बारंबार डेली तमे 10टा 12टा फार्मूला लिखिबो सकाळ उठिबो फिजिक्स रो ए चैप्टर रो फार्मूला लिखिलो जेते फार्मूला लिखिबो जेते बारंबार फार्मूला लिखि चलिबो तमर सेते से हैबिटेटेड हेकी मन रहइबो नेक्स्ट आसीला कोन ना रेगुलर प्रैक्टिस करिवो फिजिक्स रो पर्टिकुलरली मते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो प्रॉब्लम कला बेले डिफिकल्टी होची ताले इलेक्ट्रिसिटी रो प्रॉब्लम बारंबार करिवि आज 5टा करिवि काली 10टा करिवि 15टा करिवि सेई जाय करथिबि जो दे मोर आ प्रॉब्लम से न होची जेते बेले से तमे जानलो कि इलेक्ट्रिसिटी रो मोर आ प्रॉब्लम नाही ताले बेसी आ प्रॉब्लम करिवन से दुटा 3टा खाली रिवाइज करिया पई करिवो पुनी अलगा चैप्टर बुझिवो नेक्स्ट जेखे ऑप्टिक्स रो प्रॉब्लम मते डिफिकल्ट होची ताले ऑप्टिक्स रो अधिक ऑप्टिक्स को अधिक इंपोर्टेंट सबो ऑप्टिक्स रो क्वेश्चन करियो स्फेरिकल मिरर रो क्वेश्चन करिवो तापर नेक्स्ट होची कोन ना यूटिलाइज रिसोर्सेस इफेक्टिवली बेसिकली देखो आमो पाखरे बहुत सारा बुक्स अछि बुक्स तम पाखरे बहुत सारे तो समस्त तम पाखरे त गुटे टेक्स्ट बुक थिबो कल्याणी पब्लिकेशन हो और एनसीईआरटी बुक तो तुम पाखरे अवेलेबल थिबो से मेन गोटिए बुक को ही पढ़ो जदि तुम कांसेप्ट पाए पई अंत तमरो कि टीचर मानकर जहां तुम पाखरे ऑफलाइन नोट अछि से नोट्स को फॉलो करो क्वेश्चन करिया पई अलगा बुक फॉलो करो जदि तुम पाखरे एक्स्ट्रा बुक किछि अछि सपोज फॉर एग्जांपल एसएलआर रे उठे फिजिक्स पई A1 बुक अछि एसएलआर रे जदि तुम पाखरे एसएलआर रे अछि ताले ताकु ओनली से गोटिए बुक फॉलो करो ताहरे क्वेश्चन मिलियंस ऑफ क्वेश्चन दादर अछि जदि एसएलआर रे बुक तुम पाखरे थिबो ताले सेतरे बहुत सारा क्वेश्चन अछि बहुत डिफरेंट लेवल ला क्वेश्चन अछि त से गोटिए बुक को फॉलो करो मे भी हम पाखरे बहुत सारा रिसोर्सेस थाई पारे बट से रिसोर्स को यूटिलाइजेशन हम जदि जान नथिबा ताले किछ फायदा नै ताले कोथरो क्वेश्चन करिबा कोथरो कांसेप्ट पढिबा सेटा होची जान रखिबा इंपोर्टेंट बुझैला त बेसिकली तमे एनसीईआरटी की केपी बुक रो नोट्स पढिबो बाकी तमरा क्वेश्चन एसएलआर रे कोन करिवो ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो नेक्स्ट हला कोन वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट को टाइम रे केते क्वेश्चन करिवो को टाइम सपोज लॉन्ग क्वेश्चन को मु केते मार्क देबी ना 5 मिनट देबी सपोज शॉर्ट क्वेश्चन अछि ताको मु गोटे मिनट देबी सपोज 10टा शॉर्ट क्वेश्चन तमे सॉल्व करिया बसिलो ताको कोन 10 मिनट भितरे सॉल्व करिवो सपोज 5टा लॉन्ग क्वेश्चन तमे लिखिवो ताको 20 मिनट भितरे सॉल्व करिया चेष्टा करिवो एई भले छोटो छोटो टारगेट निजे ऊपर सेट करिके तमे कोन करिया पडियो ना मॉक टेस्ट भले देकी निजे निजे को हैबिटेटेड करिवो प्रैक्टिस करैबो ताले एग्जाम भले तमको जेंति घरे भी तमे एग्जाम भले फील करथो ताकि एग्जाम ना तुम घर वाले फील हो जदि तुम घरे बसी की गोटे एग्जाम रो एनवायरनमेंट क्रिएट करि परु जा ताले जेतले बोर्ड एग्जाम दबा को जीवो सेटा भी तुमको घर वाले फील हो नेक्स्ट होची कोन ना टेक गाइडेंस टू क्लियर डाउट्स जे भी तुमरा सार अछन एनी टीचर जमे जहा को फॉलो करचो तांको टू जदि इफ पॉसिबल तुम तुमरा डाउट क्लियर करिनियो तुमे तुमरा डाउट क्लियर करनबो रेगुलरली डाउट क्लियर करबा सहित तुमरा जहा भी किछ छोटो मोटो गाइडेंस तांको टू नै परिवो नेक्स्ट हला कोन ना पॉजिटिव आ स्ट्रेस फ्री माइंडसेट माइंड को क्लियर रखिबो जेमति मु ऑलरेडी कहि सारलेनी फिजिक्स गोटे बहुत बड़ा सब्जेक्ट बोली जो हाई फीक अच्छी तमें लो कर
करके नॉर्मल बैलेंस करके पूरा ग्राउंडेड होकर फील कर कॉन्फिडेंट फील कर निश्चित भाव में फिजिक्स भल हम आउ लास्ट एंड लिस्ट गिव रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस सब बेले टेस्ट दबा को चेष्टा कर जिते टेस्ट भल टेस्ट दबो अधिक अमाउंट रो टेस्ट दबो तले तमे निजे निजे को टेस्ट करि परिबो कि जानि परिबो एनालिसिस करि परिबो कि मु वर्तमान को स्टेज रे अछि मते आउ केते इफेक्टिवली पढिबार अछि ताकि मु 90% एबव रखि परिबि एतिक थिला बेसिकली समराइज कर देली एतिक जिंसा तमको जदि फॉलो करछ कंप्लीटली 100% मु श्योर 90% एबव मार रखि परिबो फिजिक्स रे वीडियो जदि लाइक भल लागथिबो वीडियो जदि भल लागथिबो निश्चित 100% लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करंतु धन्यवाद।